बिगेस्ट स्कैम इन गोवा के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आप गोवा में जाकर तो शॉपिंग जरूर करेंगे, तो चलिए उसी से संबंधित जो घटना हुई थी उसके बारे में आपको बताती हूँ। मैं नंदिता, मेरे चैनल गोवा ब्लॉगर नंदिता में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं वो घटना आपके साथ शेयर करती हूँ। घटना कलंगुट बीच के पास जो मार्केट एरिया है वहाँ की है। वहाँ पास बहुत सारे काजू बादाम एंड ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं, तो हम लोगों ने सोचा चलिए कुछ लेते हैं, क्योंकि मैं सुना है काजू एंड बादाम के लिए फेमस है। अब हम लोग एक दुकान पे गए, वहाँ पास सब पैकेट में था, खुला कुछ भी नहीं था। हम लोगों को 1 kg काजू और 1 kg किशमिश लेना था और बादाम भी लेना था, लेकिन हम लोगों ने काजू एंड किशमिश लिया। वो अच्छा दिख रहा था पैकेट के अंदर, लेकिन बादाम हमको नहीं दिख रहा था अच्छा, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया। काजू 400 kg और लगभग 380 rupees kg किशमिश था, हम लोगों ने ले लिया। हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ फेमस है इसलिए सस्ता है, हम लोगों ने ले करके दूसरी दुकान की ओर चल दिया। अब हम बादाम लेने के लिए एक बड़ी सी दुकान पे गए, वहाँ पास दुकानदार बोला कि सर क्या चाहिए, तो मेरे हस्बैंड बोला हम लोगों ने और तो सब कुछ ले लिया है, हमको बादाम चाहिए। तो दुकान वाला पूछा कि आप लोगों ने कहाँ से लिया है, तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि दो दुकान छोड़ के तीसरी दुकान से। तो दुकानदार क्या बोलता है कि हमें दिखाइए, हमें नहीं दिया। तो उसने बोला कि रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसने जब काजू का पैकेट खोला तो उसमें से क्या था कि फूटी धूल, मीन्स फूटी काजू और बेकार काजू निकले, साइड से कच्चे दिख रही। फिर उसने किशमिश के पैकेट को काटा, उसके भी अंदर से कंकड़ निकले। दुकानदार ने बोला कि भाई आप उससे पैसे नहीं ले पाओगे, अगर आप उससे पैसे ले लेते हो तो मैं आपको 1000 rupees दूंगा, क्या पता शायद उससे उसकी लड़ाई रही हो। हमें लगा कि लूट गए, लेकिन कुछ लोगों को ये होता है कि यहाँ पैसे रिटर्न नहीं करेंगे, ये सोचकर नहीं जाते हैं कि यहाँ लोकल होगा, यहाँ रिटर्न नहीं होगा। लेकिन ये आपकी भूल है, गोवा में हर जगह पुलिस एक्टिव रहती है, आप पुलिस की हेल्प ले सकती हैं। हम लोग दुकान में गए और उसको दिखाया, तो क्या बोलता है कि मैं क्या करूँ, क्या मैं पैकेट के अंदर घुसा हूँ, और बोला कि जो करना है कर लो। फिर हावी ने बोला कि आप ऐसा करेंगे। फिर कुछ देर बाद वहाँ पास भीड़ इकट्ठा हो गई, वो लोग शायद 3-4 लोग थे। तो फिर मेरे हावी ने बोला कि मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। तो फिर वो दुकानदार बोला कि सर थोड़ा धीरे बोलिए, आई थिंक वो शायद दुकान का ऑनर रहा है। उसने हमारा पैसा रिटर्न किया और हम लोग वहाँ से चले आए। हमारे पक्ष में एक भी बंदा नहीं बोला, क्योंकि सब लोग टूरिस्ट थे और वो लोग सोच रहे थे कि मैं क्यों बेकार में तंगल हूँ। इसलिए हमें सीख मिलती है कि हम अगर कुछ भी लें तो बीच के पास से मत लें, और अगर लेना ही है तो बड़ी दुकान से लें, और ऑनलाइन पुलिस का नंबर सर्च करके अपने पास रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आगे है फ्री एंट्री की कहानी।